हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एक सैंडविच रेसिपी शेयर करूंगी, ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक्स में। सैंडविच सभी को पसंद आता है, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं सिंपल हेल्दी एंड क्रिस्पी एक पोटैटो सैंडविच। यहाँ पे हम 8 सैंडविच बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं देख लेते हैं। 4 बॉइल्ड अंडा, 3 उबला हुआ आलू मीडियम साइज का, 1 लार्ज ऑनियन को चॉप कर लिए, 4 से 5 हरी मिर्च को ऐसे काट लिए। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, सैंडविच ब्रेड 16 पीस, 2 टेबल स्पून बटर को ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर लिए हैं। अब एक मिक्सिंग बोल में आलू को अच्छे से स्मैश कर लेंगे। इसके साथ सभी अंडे को भी स्मैश करके आलू के साथ मिला लेंगे। अब पैन गरम होने के बाद तेल डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद जीरा डालकर 1 से 2 बार चला लेंगे। अब इसमें जाएगा कटी हुई मिर्च, इसको भी कुछ देर चलाने के बाद ऑनियन ऐड कर देंगे एंड थोड़ा सा नमक। अब ऑनियन को 1 से 2 मिनट तक सौते कर लेंगे, ब्राउन बिल्कुल भी ना करे। जब ऑनियन ट्रांसपेरेंट दिखे तब इसमें स्मैश्ड आलू एंड अंडे को डालकर नमक ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मीडियम फ्लेम में अच्छे से मिला लेंगे। सैंडविच के लिए हमारा स्टफिंग बनकर तैयार। अब स्टफिंग को एक बोल में निकाल लेंगे। अब ब्रेड का एक स्लाइस ले लेंगे एंड स्टफिंग को डालकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और एक स्लाइस ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ऐसे सभी सैंडविच को बना लेंगे। अब सैंडविच मेकर को थोड़ा सा गरम करके एक बटर क्यूब डाल देंगे। बटर जब मेल्ट हो जाए ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। दो सैंडविच रखकर लॉक कर देंगे एंड स्विच ऑन कर देंगे। जब ग्रीन लाइट जले तब स्विच ऑफ कर देंगे एंड सैंडविच मेकर को खोलकर सैंडविच को एक प्लेट में निकाल लेंगे। चाहे तो आप ये प्रोसेस तवा में भी कर सकते हैं। आप बीच में से काट कर ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। हमारा मजेदार क्रिस्पी एक पोटैटो सैंडविच बनकर तैयार। गर्मा गर्म सैंडविच टोमेटो केचप एंड सैलेड के साथ सर्व कीजिए। अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करते ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।